हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और ये मैं सैटरडे का शायद आई थिंक ब्लॉग है, ऐसी 28 का है। हाँ, सैटरडे का है, 28 का। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं एनी को रेडी कर रही हूँ। हाँ जी, मैं एनी को रेडी कर रही हूँ। और ये बहुत ही वैसे डिफरेंट सा लुक है डेली के हिसाब से। एक्चुअली आज इसको कहीं जाना है, प्रोग्राम है मेरे घर के पास में एक जगह। मतलब भगवान जी का प्रोग्राम है, क्या कहते हैं, सुंदर कांड है शायद वहाँ पे, भजन वगैरह, तो वहाँ के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। तो अभी ऐसी दोपहर के मतलब 4-5 बज रहे होंगे, आई थिंक। हाँ, ऐसे टाइम हो रहा होगा। तो इसको मैं रेडी कर रही थी, तो बड़े आराम से बैठ के रेडी हो रही है। देख सकते हैं आप लोग कितने कायदे से, कभी ये चीज़ पहनाओ कभी वो पहनाओ। थोड़ा आज रूम की क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे ना, तो हौच पौच हो रखी थी। और ये देखिए, मेरी ऐनी रानी तैयार हो गई है। तैयार हो गई, बस ये बाहर जा रही है। और मेरी तबीयत भी आज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। और एक्चुअली मुझे भी जाना है, और बट मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगी। बट हाँ, ब्लॉग बना रही हूँ तो बता देती हूँ कि मैं गई थी लास्ट टाइम पे, सब लोग लेने आ गए थे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तबीयत नहीं ठीक थी, और फिर मैं इसमें सूट भी नहीं कर पाई थी, आप लोग को दिखा भी नहीं पाई थी मैं। ये देखिए देवी जी को। ओ हेलो दोस्तों, और मैं आगे का सूट नहीं कर पाई थी, इसलिए कुछ नहीं दिखाया था। तो 28 का आप लोग को दिखाया था। अब संडे को मैं 29 को मिल रही हूँ। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं गुजिया का डो तैयार कर रही हूँ, मैदा वगैरह बना मतलब रख रही हूँ, तो अच्छे से उसको गूंथा जाता है। एक्चुअली मेरे हाथ में चोट भी लगी है ना, चोट क्या, मैं जल गई थी थोड़ा सा, तो छाला पड़ा हुआ है, तो सही से ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ। तो धीमे धीमे करके मैं अच्छे से उसको गूंथ गूंथ के रख रही हूँ, कि जितना अच्छा आटा होता है ना, उतनी अच्छे से बन पाता। आज सुबह से शाम हो गया है, समझ में ही नहीं आता पूरा दिन कब निकल जाता है यही सब करते करते। ये देखिए, डो मैंने ऐसे पन्नी में करके रख दिया जिससे कि सूखेगा नहीं। और ये मैदा का घोल बना लिया गुजियों में चिपकाने के लिए। और ये खोया भी रेडी हो गया है, और इसमें गुजियाँ सेक सेक के रखेंगे। हमारे यहाँ गुजिया बनना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मम्मी उधर साइड किचन की साइड बैठी है। तो किचन के जितने भी टाइल्स आप लोग पीछे देख रहे होंगे, मम्मी जहाँ बैठे, तो एक एक करके सारे निकलने लगे। सोच रही हूँ ना, पूरी तरीके से अगर निकल जाए तो फिर इकट्ठा ही रिपेयरिंग कराएंगे। अभी जो चल रहा है काम चलने देते हैं, जैसे भी हो रहा है। काम कराने बैठो तो फिर बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, जो जैसे चल रहा है चलने दो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, सब लोग जल्दी जल्दी से काम कराने लगे हैं। मेरे हस्बैंड अगर घर पे होते हैं तो इन सब चीज़ों में थोड़ा साथ दे देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं भी पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। और फिर मम्मी तो क्या नाम, मम्मी के आप लोग जानते हो, थोड़ा हैवी शरीर है, तो इस वजह से ज़्यादा उठ बैठ भी नहीं पाती हैं। तो इस वजह से बस हेल्प करा लेते हैं हम दोनों की बैठ के। तो देखो मम्मी भी हेल्प करा रही है साथ में। इधर आओ। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? क्या जे ऐसे क्या करना है आपको? यहाँ पे तो आओ। बीच में ऐनी भी आ रही थी, तो अब बस हो गया है, गुजियाँ भी बन रही हैं। गुजियाँ एक्चुअली मम्मी ही सेकेंगी जाके। मम्मी आराम से स्टूल पे बैठ के सेक लेती हैं, और मुझे खड़ा होना पड़ता है, तो मेरे पैर में प्रॉब्लम सी होने लगती है। और मम्मी का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, उठ बैठ मतलब काम तो वो पूरा कर लेती है अगर करना चाहे, लेकिन अगर सोचो ना कि जल्दी जैसे मैं फटाफट से एक एक मिनट में उठती हूँ बैठती हूँ ये करती हूँ फटा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है उनकी एज के हिसाब से। और यहाँ पे हम तीनों लोग फटाफट से बस काम कर रहे हैं, काम फिनिश ही होने वाला है। एनी को लेके थोड़ा पापा बाहर निकल गए हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, है नहीं? यहाँ देखो, जल्दी देखो, तुम्हें साफ कर देना। रोटी बनाई, रोटी बनाई, गुजिया बनाई, मुझे बनाई, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड हैप्पी होली। और ये ब्लॉग मेरा शायद है होली वाले दिन ना पहुंचे, होली मन भी जाए उसके एक दिन बाद पहुंचेगा, क्योंकि अभी पेंडिंग के एक दो ब्लॉग पड़े हैं, उसको मैं पहले डालूंगी। गुजिया बन के रेडी हो गई हैं, ये देखिए इतनी सारी गुजिया बन गई हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी। आ जाइएगा सब लोग, खा लीजिएगा। सभी के यहाँ गुजिया बनती हैं, और गुजिया ही बनाई, ज्यादा कुछ नहीं।
क्योंकि मम्मी पापा ही मतलब खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड को तो जानते हो, मैं हम लोग ये सब चीजें थोड़ा कम खाते हैं, तो हम एक दो भले ही खा लें लेकिन इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा इन सब चीजों में। लेकिन गुजिया बन गई हैं, हम सब लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलके बनवा लिया गुजिया, समझ में भी नहीं आया, गुजिया बन के रेडी हो गई। तो अभी होलिका दहन का टाइम होने वाला है, होने क्या वाला है, 7 बजे के बाद मुहूर्त है, कभी भी जला दो। तो अभी मैं तैयारी करूंगी पूजा की, और मैं भी हाथ पैर मुंह धुल के थोड़ा रेडी वेडी हो लूं, और फिर उसके बाद आईनी को भी रेडी कर देते हैं, और बाहर होलिका दहन के लिए जाना होता है ना। तो अभी मेरा खाना ही बना है यार, पता है ये पूड़ियां जो गुजियों की होती है ना, बेल बेल के ना, ये चीज अजीब सी हो जाती है। तो अब खाना समझ भी नहीं आ रहा क्या बनाऊं, सिंपल सा सूजी कुछ लिक्विड में बना ले वही खा लेते हैं, क्योंकि गुजिया बनाने के बाद यार खाना बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है। तो चलो मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ धूम धड़ाके से। तो ये देखो बाद में जो बचती है ना, कहते हैं ना इसकी गुजिया बनाते बनाते सबसे ज्यादा पता है, सोचो कि अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, लेकिन गुजिया खत्म होने का नाम नहीं होती है, साइड की कतरन होती है वो निकलती रहती है। फिर मैंने क्या किया, जो 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 साइड की ऐसी बचती है ना, मैंने ऐसे करके बना दी गूथ वाली गुजिया। तो चलो मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से आके मिलूंगी। रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं मावर वगैरह सब लगाई हुई है, मम्मी को भी लगा के आए हैं। और मैंने जो पता ना, जो पूजा की थाली मतलब मैंने रेडी करी हुई थी ना, वो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई, मौका नहीं मिला। जो पूरी गुजिया और गुलाल धूप बत्ती मतलब पूजा का जो भी सामान होता है ना, वो कांसे की थाली में वो करके दे दिया था। तो पापा जाके मतलब पीतल की थाली में शुभ माना जाता है, तो पापा जल्दी करके आ गए होलिका दहन की पूजा, अब अभी जली नहीं है। तो मैं रेडी वेडी होके मम्मी का आशीर्वाद ले लिया पापा का, और ये मैं तुलसी जी की पूजा करने के लिए छत पे आई हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो यही आप लोग को पूजा की थाली दिखा देते हैं, तो अभी तुलसी की पूजा करेंगे जाके, और एनी को भी रेडी कर दिया, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। एनी को मैंने रेडी कर दिया है, तो चलो पूजा कर लेते हैं जाके तुलसी मैया। और एक्चुअली आज काम के चक्कर में ना पौधों में पानी डालना भूल गए थे ना, बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा, तो तुलसी को छुएंगे नहीं, आज संडे है तो संडे को बिल्कुल भी तुलसी नहीं छुई आती है। तो चलो मैं इनकी आरती कर लेती हूँ, भोग लगा लेती हूँ। को चांद निकला हुआ है, इनका भी आशीर्वाद आप लोग ले सकते हो चांद देवता का, मैंने तो ले लिया है, आरती भी कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और एक्चुअली आज पूरी पराठा कुछ भी खाने का मूड नहीं था, सिर्फ हल्का सा खाने का मन है, तो यहाँ पे सिंपल सा ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बस खीरा वगैरह काट ले रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी के साथ में थोड़ा सा सलाद वगैरह हो जाएगी तो ठीक लगेगा, क्योंकि कल भी फिर पूड़ियाँ ही बननी है, होली पे फिर 2-3 दिन यही चलता रहता है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं हल्का सा लिक्विड बना लेती हूँ तो ठीक। तो दोस्तों देखो ये बाली आई हुई है, और ये होली जब जलती है ना तो उसमें मतलब जलने में डाली जाती, क्या चीज़ जो मेरे ऊपर गुजिया क्यों डाल रही हो, देखो गुजिया खा खा के इतना इतना चारों तरफ फेंक रही है लड़की। तो गन्ना वगैरह और ये सब चीजें लेके जलाया जाता है। एनी अच्छा आओ आपको दिखा दे, यहाँ पे आओ, क्या हो गया
आओ इधर आओ इधर आओ आ दिल्ली आओ। आपने अपनी न्यू न्यूज ड्रेस नहीं दिखाई किसी को? क्यों ड्रेस नहीं दिखाई किसी को अपने न्यू न्यू? अरे हाय कर दो, हैप्पी होली बोल दो सबको। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे अंकल, हैप्पी बर्थडे आज नहीं कल। दादी से क्या बात की थी? दादी से क्या बात? नहीं अभी नहीं खाया था, तो ये अभी रख देते हैं वरना ये पूरे निपटा जाएगी एक एक करके। रुको जल चुकी है, बोला जाता है पहली जो क्या मम्मी होती है लॉ। हाँ पहली लॉ, पहली लॉ नहीं देखी जाती है, मतलब जेंट्स देखते हैं, घर की लेडीज नहीं पहली लॉ देखती है। जेंट्स लोग तो जला रहे उधर, बस जला के पीठ फेर दिए। अच्छा पीठ फेर लेते हैं सारे लोग। अच्छा क्या, तो पहली लॉ जब हो जाएगी उसके बाद सब लोग जाएंगे पैकर मला। उसके बाद बहुत सिंपल है, डीजे वगैरह किसी ने लगाया, हर बार लगता था इस बार एकदम सिंपल सिंपल सा है सब कुछ। तो अभी पापा जाएंगे तब आप लोग को दिखाएंगे, होलिका दहन के दर्शन कराएंगे। तो ठीक है थोड़ा सा बाद में कैप्चर करके आप लोग को दिखाएं। मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए, कुछ काम से चले गए हैं फ्रेंडों के साथ होली मनाने के लिए। तो अभी आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को होलिका दहन भी दिखाएंगे, तो आप लोग अच्छे से दर्शन कर लेना। तो हैप्पी होली मेरी तरफ से, अगर नहीं मिस किया है आप लोगों को। ये देखिए होलिका दहन स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी तेज़ लौट रही है, पहली लौ मैंने नहीं देखी थी उसके बाद ही हो रही है, तो पेड़ की वजह से हम आप लोग को सही से नहीं दिखा पा रहे हैं। बाद में मेरे हस्बैंड आ गए थे होली जलने के बाद, तो उसके बाद की क्लिप इन्होंने यहाँ पे ऐड किया और सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना होली वगैरह खेल रहे हैं। और मैं सोचती थी कि मैं क्लिप आप लोगों के साथ मतलब इसी ब्लॉग में आगे का होली का मतलब डाल दूंगी, लेकिन मैं आगे इसमें नहीं डाल पाऊँगी। तो काफ़ी सारे लोग पूजन करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं गन्ना और वो बालियां लेके, और यहाँ पे सब जेंट्स जाने का सारी लेडीजें रात में पैकर्मा करने के लिए आई हैं। पूजा अभी तक होलिका चल रहा है और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को होली का ब्लॉग मिलेगा, होली किसने खेली कैसे खेली नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। होलिका दहन का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।